देख रहा हूँ इनको कितना ज्यादा कंसर्न हो रहा है, इतना हमें भाषण दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। हमें वो अभिराज का ध्यान साहब ने भी कहा कि जी टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मारधाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? पाकिस्तान, पाकिस्तान हम आतंकवादी को पनाह दे। आपको पता है उनकी ट्रेनिंग किधर हुई थी? लेफ्टिनेंट जनरल है, देयर इज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ श्रीलंका, उन्होंने पिछले हफ्ते ही बीबीसी को इंटरव्यू दिया। हम ही उन्हें पैदा करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका इस्तेमाल भी करते हैं, और कहीं उनकी वजह से हमारी असलियत का पर्दाफाश होने का डर हो तो हम उनका नेस्तनाबूद भी कर देते हैं। वहां जो भी लोगों ने अटैक किया श्रीलंका में, वो लोग पहले भारत में ट्रेवल किए थे, उन्होंने भारत में ट्रेवल किया, उन्होंने वहां से ट्रेनिंग हासिल की, और वो कैसा देशभक्त कर चुका है। और जो भी अंध हंस रहे हलकट हंस 26-25 कभी पढ़ लीजिएगा, ये मुसीबत है ना, पढ़ाई लिखाई की नहीं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा नहीं, तो चले मैंने पढ़ा, मैं थोड़ा सिखा देता हूँ। मस्त जोक मारा रे। चले दीजिए दीजिए। इन साहब ने बोला श्रीलंका से जो टेररिस्ट थे वो इंडिया आए थे, क्या आप ये मान रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है? क्योंकि वो कश्मीर गए थे, पूरा पढ़ते आप उसको, इंडिया में नहीं कश्मीर गए थे। दिस इज व्हाट वाज सेड बाय देयर डिफेंस मिनिस्टर। नाउ सेकंडली, साउथ इंडिया आप बोल रहे हैं, आप हिंदू पढ़िए, आप अपनी अखबार नहीं पढ़ते, साउथ इंडिया में गए थे वो। नो, साउथ इंडिया गलत बोल रहे हैं आप। मैं आपको रिकॉर्ड ट्रेनिंग दिखा सकता हूँ, कश्मीर गए थे। आप लोग अपने सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, मेरे पास भी स्टेटमेंट आई और दूसरी चीज दी होगी ना, दहशतगर्दी ट्रेनिंग जो इंडियन ट्रूप्स वहां बैठे हुए कश्मीर में, उनसे ट्रेनिंग ले ली होगी, वो तो पहली दहशतगर्दी कह रहे हैं ओआईसी के मुताबिक। बिल्कुल, नो सरप्राइजेस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनका बहुत बड़ा अंदरूनी तौर पे कमजोर लोग हैं ये, डरे हुए लोग हैं ये, खौफजदा लोग हैं ये। नाम है अनुज यादव। कट छोड़ के मेरी उंगली है, मैं नहीं चाहूंगी टूटे, और मैं इसको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा नाखून है, मैं इसको जान के नहीं तोड़ूंगी। I love you, मेरे। वहां पे इतनी ज्यादा फौज, एयरफोर्स, नेवी क्यों बना के रखी हुई है? उनकी दुश्मनी किसके साथ है? उनके इर्द गिर्द सारी तरह तो भारत बैठा हुआ है। ए चुप है। कुछ भेड़िए हमारे घर में घुस कर बैठ गए, अब तुम लोग ही बताओ उनके साथ क्या सुलूक किया जाए। भारतीय सैनिकों ने एलओसी का रोष करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया, भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया, गोलियों के आगे नीच सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया, आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया।